Good morning, students. We have already started the chapter Silk Road, and we have read that our narrator Nick Middleton started his journey from Rau to Mount Kailash, and he showed us how he faced the difficulty. Now, Daniel, Satan, and our narrator reached Hur, and from there, Daniel took lift in the truck, and because he went to Lhasa, now only our narrator and Satan left. Hur was a gloomy place covered with dust and rocks. Ye ek gloomy means sad, sad place tha, and devoid of vegetation. Devoid means vanchit. Yahan par koi vanaspati nahi thi. It was scattered with a lot of refuse. Yahan par bahut zyada waste pada tha. Dust vagaira, dirt, gandagi that had gathered over there over the years, jo saalon se wahan par thi. It was regrettable as this town was on the shore of Lake Mansarovar. Bade afsos ki baat hai ki ye shehar jo tha Mansarovar lake ke kinare par tha. Tibet's most honored lake. Tibet mein is लेक को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है. एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्टडी ऑफ द यूनिवर्स पिन पॉइंट्स ऑफ मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ फोर ग्रेट इंडियन रिवर्स. तो एंशियंट बुद्धिस्ट जो लोग थे वो उन्होंने इसके ऊपर स्टडी की कि मानसरोवर जो है चार इंडियन रिवर्स का सोर्स यहाँ पर मिलता है, मतलब संगम होता है. द इंडस सिंधु नदी, गैंगिस गंगा नदी, सतलुज नदी एंड ब्रह्मपुत्रा. एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक. वास्तव में सतलुज ही लेक में से बहती है. बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाय द साइड्स ऑफ द माउंट कैलाश. बाकी जो इनका स्रोत सेम ही है, हेड वाटर्स वहीं से निकलते हैं, एक माउंटेन से, माउंट कैलाश से, और बाकी साइडों से निकल जाती हैं रिवर्स. दे हैड टी इन द हूर्स ओनली कैफे विच like all the other buildings in the town. तो यहाँ पर एक कैफ़े, सिंगल कैफ़े है हूर में, और वहाँ पर उन्होंने चाय ली, और बाकी बिल्डिंग्स की तरह ही थी ये बनी हुई. बिल्ट फ्रॉम द बैडली पेंटेड कंक्रीट एंड हैड थ्री ब्रोकन विंडोज़. तो बहुत गंदी तरह से यहाँ पर पेंट हुआ हुआ था, कंक्रीट से, पत्थर वगैरह से बना हुआ था, और यहाँ पर तीन ब्रोकन विंडोज़ थी, लेकिन एक विंडो से गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ द विंडोज़. एक विंडो से लेक का बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता था. आफ्टर हाफ एन आवर स्टॉप, आधे घंटे के रुकने के बाद, दे ड्रॉव वेस्ट टूवर्ड्स आउट ऑफ द टाउन टूवर्ड्स माउंट कैलाश. आधे घंटे बाद इन्होंने वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, माउंट कैलाश की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया. The narrator was surprised to see Hur because it was absolutely different from what he had read about it. Narrator बहुत हैरान था इस प्लेस को देखकर, क्योंकि उसने इस प्लेस के बारे में जिन किताबों में पढ़ा हुआ था ये उससे बिल्कुल डिफरेंट था. इकाई कावघाची, अ जैपनीज मोंक. इकाई कावघाची एक जैपनीज संत लगा लीजिए, सेंट लगा लीजिए, हु हैड बीन देयर इन 1900, जो 1900 में वहाँ पर हूर में आए थे. वॉज सो स्टिल्ड बाय द होलीनेस. होलीनेस वहाँ की पवित्रता देखकर वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे, भावुक हो गए थे ऑफ द लेक, दैट ही बर्स्ट इन टू टीयर्स, कि उनकी आँखों से आंसू आ गए थे. अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, द प्लेस हैड अ सिमिलर इफेक्ट ऑन स्वीडन सीवन हेडन, अ स्वीडन विजिटर. स्वीडिश कंट्री से एक और विजिटर आए, सीवन हेडन. ऐसा ही इफेक्ट जो इकाई कावघाची पर हुआ, प्रभाव, कि वो भावुक हो गए स्थान को देखकर, पवित्रता देखकर, ऐसा ही इफेक्ट सीवन हेडन पर भी आया. दे रीच्ड अ गेस्ट हाउस इन दार्चिन आफ्टर 10:30 PM. जब वो वेस्ट की तरफ चल पड़े तो रास्ते में एक जगह आई दार्चिन, जहाँ पर रात को 10:30 बजे के बाद ये पहुँचे. इट दे वर 4,760 meters above the sea level. ये सी लेवल से 4,760
मीटर की ऊंचाई पर थे। इट वॉज डिस्टर्ब नाइट, ये एक बड़ी परेशानी वाली रात थी। क्यों? क्योंकि द नरेटर हैड टेरिबल कोल्ड, क्योंकि नरेटर को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हुआ हुआ था। बिकॉज ऑफ द ओपन एयर रबिश डंप इन द हूर, क्योंकि हूर में काफ़ी ज़्यादा कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ था, डस्ट वगैरह के कारण हमारे नरेटर को कोल्ड हो गया था। विद हिज नॉस्ट्रिल्स ब्लॉक्ड, उसके दोनों नासिकाएं बंद हो गई थी। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीद, नरेटर को सांस नहीं आ रही थी। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, नरेटर बहुत थका भी हुआ था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग से उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी। एंड दस स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू हिज माउथ, और नरेटर ने मुँह से सांस लेनी शुरू कर दी। बट बेयरली हैड ही स्लेप्ट, मुश्किल से ही वो सो पाता था। वेन ही वोक अप, तब उसकी नींद खुल जाती थी। एब्रप्टली, एब्रप्टली मीन्स सडनली, अचानक से नींद खुल जाती थी। ही फेल्ट अ पेक्यूलियर हैवीनेस इन हिज चेस्ट, एक अजीब सी छाती पर बोझ सा उसको महसूस हो रहा था क्योंकि कोल्ड चेस्ट पर गिरना शुरू हो गया था। ही सेट अप एंड क्लियर्ड हिज नेजल पैसेज, हमारे नरेटर उठकर बैठ गए और अपना नाक को साफ किया। ही फेल्ट रिलीव्ड बट द मोमेंट ही ले डाउन, उसको राहत मिली अगर उठ के बैठते थे, लेकिन जिस क्षण वो लेटते थे ही इंट्यूटिवली फेल्ट दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, और उन्हें अंदाज़ा होता था कि कुछ उनके साथ, इंट्यूटिवली होता है प्री इन्फॉर्मेशन, कुछ अंदाज़ा गेस करना कि लगने लग जाना कि कुछ गलत होने वाला है। ही वॉज नॉट ब्रेथलेस बट सिंपली कुड नॉट स्लीप, अब उन्हें ऐसा नहीं है कि सांस नहीं आ रही थी, मुश्किल हो रही थी, लेकिन सो नहीं पा रहे थे। द फियर ऑफ डाइंग इन हिज स्लीप केप्ट हिम अवेक, तो जो डर था सोने का, सोने का जो डर था तो उसके कारण वो जाग जाते थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग सेतन टुक हिम टू द दार्चिन मेडिकल कॉलेज, अगली सुबह सेतन दार्चिन मेडिकल कॉलेज में ले गया उनको। इट वॉज़ अ न्यू बिल्डिंग दैट लुक लाइक अ मोनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड, ये नई बिल्डिंग थी जो मोनेस्ट्री, एक मोनेस्ट्री होता है जो धार्मिक स्थल सा हो, बौद्ध धर्म के मठ लग रहा हो, तो ऐसा लुक वाइज दिखाई दे रही थी बिल्डिंग बाहर से। इट हैड अ वेरी सॉलिड डोर दैट ओपन इनटू द लार्ज कोर्टयार्ड, इसका बहुत मजबूत सा दरवाज़ा था, जो गेट बहुत ज़्यादा मजबूत था, जो खुलता था, जैसे ही खुलता था तो एक बड़ा सा आंगन दिखाई देता था। इन द कंसल्टिंग रूम वॉज अ तिप्तन डॉक्टर हु डिड नॉट हैव द इक्विपमेंट दैट अ डॉक्टर वुड हैव, तो जो कंसल्टिंग रूम था तो वहाँ पर एक डॉक्टर था, तो जहाँ वहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये डॉक्टर है, क्योंकि जो भी डॉक्टर्स का पेरिफिनिलिया होता है वो सब नहीं था। डॉक्टर जैसे स्टेथोस्कोप लगाते हैं या फिर वाइट कोट पहनते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं थी। तो क्लैड इन अ थिक पुलोवर, ये डॉक्टर कैसे कपड़े पहने हुए थे, एक मोटा सा पुलोवर पहना हुआ था, स्वेटर पहना हुआ था, एंड अ वूली हैट और वूलन हैट पहना हुआ था। ही लिसन टू द नरेटर सिम्टम्स, उसने नरेटर के सिम्टम्स जो भी उनको दिक्कत थी वो सुनी। ही सेड इट वॉज बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड एंड कोल्ड, और डॉक्टर ने ये बताया क्योंकि ये ऊंचाई पर आए हो आप, काफ़ी हाइट पर, तो चेंज ऑफ एटमोसफियर के कारण ऐसा हुआ है और हाइट के कारण। ही अश्योर्ड द नरेटर दैट ही वुड बी फाइन एंड गेव अ ब्राउन एनवेलप स्टफ्ड विद 15 स्क्रूज ऑफ पेपर, तो उसने एश्योरेंस दी, सांत्वना दी कि वो ठीक हो जाएंगे, और एक ब्राउन कलर का लिफाफा दिया जिसमें भरी हुई थी 15 पुड़ियाँ, 15 स्क्रूज ऑफ पेपर, पुड़ियाँ बनाकर दवाई दी दैट कंटेन्ड ब्राउन पाउडर, और जिन पुड़ियों में ब्राउन पाउडर था। That last tasted like cinnamon. Cinnamon बेटा एक मसाला होता है, दालचीनी, तो ये दालचीनी जैसा उसका टेस्ट था। He was asked to take them with hot water. तो नरेटर को ये बोला गया कि वो गर्म पानी से इससे लें। The narrator did not like the look of the contents. नरेटर को देखने में ये मटेरियल अच्छा नहीं लग रहा था, और टेक्स्ट में नरेटर ने बोला भी है कि ये ऐसे लग रही थी जैसे शीप की शिट हो। बट टुक देम एनी वे, ही स्लेप्ट वेरी साउंडली, और उसने ये दवाई दी ली और काफ़ी गहरी नींद में
उस रात सोए नरेटर. When Satan was assured, जब सेतन को पक्का हो गया that the narrator was going to be well, कि narrator ठीक हो जाएंगे, he left him and returned to Lhasa. वो वहाँ से चले गए और लहासा के लिए जाने के लिए तैयार हो गए. As a Buddhist, it did not really matter if the narrator died, but he thought it would be bad for the business. तो बौद्ध धर्म को मानने के नाते सेतन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अगर नरेटर की डेथ भी हो जाती. तो इन लोगों को इतने भावुक नहीं होते बौद्ध धर्म के लोग. तो लेकिन क्योंकि वो एज अ ड्राइवर यहाँ पर आए थे, अगर नरेटर की डेथ हो जाती कोल्ड के कारण या तबीयत ख़राब होने के कारण, तो उसके बिजनेस पर बुरा प्रभाव पड़ता. तो इसलिए वो दार्चिन मेडिकल कॉलेज में लेकर गया. After the narrator got his rest and a good night's sleep, Darchin did not look so awful. जब narrator की तबीयत ठीक होने लगी और पूरी रात के rest के बाद Darchin अब बुरी जगह नहीं लग रही थी. जब आपकी तबीयत ठीक हो तो जहाँ भी आप घूमने गए हैं तो वो जगह भी अच्छी लगती है, तबीयत ठीक ना हो तो वहाँ पर अच्छा नहीं लगता. तो narrator को ये अच्छा लगने का. It was still dusty. यहाँ पर डस्ट तो थी ही. And had heaps of rubble and refuse. वहाँ पर वेस्ट और कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए थे. बट द ब्राइट सन गेव हिम अ व्यू ऑफ हिमालय. लेकिन सूरज निकला हुआ था तो हिमालय की चोटियाँ दिखाई दे रही थी, तो वो अच्छा लग रहा था नरेटर को. ही सॉ द स्नो कैप्ड माउंटेन. नरेटर ने स्नो से बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ देखी. गुरला मंधाता विद अ स्मॉल क्लाउड हैंगिंग ओवर इट्स पीक. गुरला मंधाता चोटी देखी जिसके ऊपर क्लाउड्स लटके हुए थे उसकी चोटी पर. द टाउन हैड अ फ्यू जनरल स्टोर्स सेलिंग चाइनीज सिगरेट सोप एंड द अदर बेसिक प्रोविजंस. बेसिक प्रोविजंस को बेटा टेक्स्ट में रूडिमेंट्री दिए हुआ है. टाउन में कुछ ही दुकानें थी जो जनरल थिंग्स जहाँ पर मिल जाती थी, और वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें चाइनीज़ मिलती थी, चाइनीज़ सोप सिगरेट एट्सेट्रा, जो बेसिक नीड्स को पूरा कर देती थी क्योंकि चाइना बिल्कुल नज़दीक पड़ता था. एज़ वेल एज़ द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स. जब भी धार्मिक यात्रा शुरू होने वाली होती है तो वहाँ से पहले ही शॉप्स पे वहाँ पर रिक्वायर्ड जो मटेरियल होता है वो सब मिल जाता है. आपने देखा होगा वैष्णो देवी या फिर हरिद्वार में, तो मेन स्पॉट पर पहुँचने से पहले काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं, तो यहाँ पर भी मिल रही थी. सेतन ने यहाँ पर दार्चिन जगह पर छोड़ दिया था और वो वापस चला गया था क्योंकि यहाँ से नरेटर को जर्नी जो है वो पैदल करनी थी, खुद चलकर जाना था कैलाश पर्वत पर. तो सेतन का काम ख़त्म हो गया था, अब नरेटर को अकेले जर्नी करनी थी. इन फ्रंट ऑफ वन मैन कलेक्टेड इन द आफ्टरनून फॉर अ गेम ऑफ द पूल ऑन द स्ट्रेंज टेबल इन द ओपन एयर. तो एक शॉप के सामने आदमी इकट्ठे हुए थे दोपहर को वो गेम ऑफ पूल खेलने के लिए. पूल यूजली इंडोर गेम होती है, लेकिन ये जो टेबल लगी हुई थी वो ओपन एयर में लगी हुई थी. वाइल नियर बाय वेमेन वॉश्ड देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ द नैरो ब्रुक नियर द गेस्ट हाउस. तो वहाँ पर पास ही गेस्ट हाउस के पास छोटा सा झरना सा टाइप्स था, तो वहाँ पर एक जो बर्फीला झरना था, तो वहाँ पर नरेटर ने देखा कि एक औरत अपने लंबे बाल धो रही है इतने ठंडे पानी में. दार्चिन फेल्ट स्ट्रेस फ्री एंड स्लो. दार्चिन बिल्कुल यहाँ पर परेशानी नहीं थी क्योंकि बेसिक सा कोई तामझाम नहीं था, तो लेकिन यहाँ की लाइफ बड़ी स्लो थी. बट फॉर द नरेटर दिस वॉज अ मेजर डिसएडवांटेज. लेकिन नरेटर के लिए ये एक मेन नुकसान उसको था क्योंकि उसको जो यात्रा करनी थी लोगों के साथ करनी थी. यहाँ पर सुनसान था, देर वर नो पिलग्रिम्स, यहाँ पर कोई धार्मिक यात्रा करने वाले लोग नहीं थे. ही हैड बीन टोल्ड दैट इन द पीक ऑफ द पिलग्रिमेज सीज़न. उसको ये बताया गया था कि ये सीज़न पीक सीज़न होता है, यहाँ पर पूरा रश होता है धार्मिक यात्राओं यात्रियों का. द टाउन वॉज फुल ऑफ विजिटर्स, कि शहर में पूरा विजिटर्स आए हुए होते हैं. दैट वॉज द रीज़न फॉर बींग देयर इन द बिगनिंग ऑफ द सीज़न, बट इट सीम दैट
ही वॉज टू अर्ली. ये शायद रीज़न हो सकता है, कारण हो सकता है कि जो हमारे नरेटर हैं सीज़न के बिल्कुल शुरुआत में पहुंच गए और शायद थोड़ा जल्दी ही पहुंच गए, इसलिए अभी यात्री नहीं आए थे कि जिनके साथ नरेटर यात्रा कर सकते. वन आफ्टरनून ही सैट विद अ ग्लास ऑफ टी इन दार्जिलिंग्स ओनली कैफे थिंकिंग अबाउट द पॉसिटी ऑफ पिलग्रिम्स. अब एक दोपहर को नरेटर चाय के गिलास के साथ जो एक ही कैफ़े था वहाँ पर दार्जिलिंग में, वहाँ पर बैठे थे. पॉसिटी होता है पवित्रता, वहाँ की धार्मिक पवित्रता के बारे में सोचते हुए. एंड द फैक्ट दैट ही हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस विद हिज सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन द पॉजिटिव थिंकिंग. वास्तविकता ये थी कि नरेटर अपनी मदद नहीं कर पा रहे थे सेल्फ हेल्प कि वो आगे प्रोग्रेस कर पाए, अपना प्रोग्राम आगे यात्रा शुरू कर पाए. आफ्टर सम कंटम्पलेशन, कंटम्पलेशन होता है थिंकिंग, कुछ देर की सोचने के बाद ही फेल्ट ही कुड ओनली वेट. नरेटर ने डिसाइड किया कि वो अकेले यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि पहाड़ों में अकेले जाकर तो कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो वेट ही करेंगे कि बाकी लोग आ जाएंगे. तो ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग अलोन इन द पिलग्रिमेज, तो उन्होंने धार्मिक स्थान पर अकेले जाने का ये जो आइडिया था उनको ठीक नहीं लगा और उन्होंने वेट करने की सोची. कोरा, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि रिलीजियस जर्नी होती है धार्मिक यात्रा. द कोरा वॉज सीजनल, इसका सीज़न होता है. जैसे बेटा आपने अमरनाथ यात्रा सुनी होगी कि सीज़न होता है, वो पर्टिकुलर उसी अगस्त मंथ में ही शुरू होती है वन मंथ के लिए. ऐसे ही माउंट कैलाश की यात्रा भी सीजनल होती है, बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रोड वर लाइकली टू बी ब्लॉक्ड बाय द स्नो, क्योंकि रोड के काफ़ी हिस्से स्नो से ढके हुए हो सकते हैं. ही हैड नो आइडिया इफ़ द स्नो हैड क्लियर्ड, उसको कोई आइडिया नहीं था कि रास्ते में से बर्फ़ साफ हो गई होगी या नहीं. बट ही सॉ द लार्ज पीसीज ऑफ डर्टी आइस ऑन द बैंक्स ऑफ दार्जिलिंग स्ट्रीम, और उसने गंदी आइस के बहुत बड़े बड़े पीसीज दार्जिलिंग की नदी में देखे थे. फ्रॉम द टाइम वेन सेतन हैड लेफ्ट, जब से सेतन गया था छोड़कर नरेटर को, ही हैड नॉट मेट एनीवन इन दार्जिलिंग, तो नरेटर किसी से भी मिले नहीं थे दार्जिलिंग में. हु कुड आंसर इवन द बेसिक क्वेश्चंस इन इंग्लिश टिल ही मेट नॉर्बो. क्यों नहीं मिले थे? क्योंकि वहाँ के लोग, दार्जिलिंग के लोग रीजनल लैंग्वेज जानते थे और नरेटर को सिर्फ इंग्लिश आती थी. तो सेतन ऐसा व्यक्ति था जो रीजनल लैंग्वेज में और इंग्लिश दोनों जानता था और नरेटर की बातों का जवाब देता था. तो तब से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि नरेटर के आम रोज़मर्रा के प्रश्नों का उत्तर दे पाता, जब तक वो नॉर्बू से नहीं मिले. नॉर्बू इज़ द अनदर विजिटर यहाँ पर आए हैं. नरेटर वॉज स्मॉल, द नरेटर वॉज इन अ स्मॉल डार्क कैफे विद अ लॉन्ग मेटल स्टोव दैट रैन डाउन द मिडल. तो नरेटर एक स्मॉल कैफ़े में, जो दार्जिलिंग में अकेला है, अकेला कैफ़े है, वहाँ पर बैठे थे और उसके बीच में, इतना बड़ा था कि उसके बीचों बीच एक स्टोव पड़ा था मेटल का. द वॉल्स एंड द रूफ वर कवर्ड विद मल्टी कलर्ड शीट्स ऑफ प्लास्टिक दैट इज़ मेड इन टू शॉपिंग बैग्स इन मैनी कंट्रीज. तो दीवारें जो थी या छत थी वो कवर किससे थी? प्लास्टिक से. जो ये वो प्लास्टिक था जो दूसरी कंट्रीज़ में शॉपिंग बैग्स बनाने के काम आता था. प्लास्टिक इज़ वन ऑफ द चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट. चाइना का ये जो प्लास्टिक था बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, दूसरे देशों में जाता था अलॉन्ग द सिल्क रोड, इस सिल्क रोड के माध्यम से. टुडे ही सैट बिसाइड अ विंडो सो दैट ही कुड सी द पेजेस ऑफ द नोटबुक. तो विंडो के पास बैठ गया नरेटर ताकि वो अपनी बुक में से कुछ पेजेस पढ़ पाए. He also had a novel with him. Narrator के पास एक novel भी था ताकि वो time pass कर सके. Norbu saw the book. Norbu ने ये book देखी narrator के हाथ में. Came to him. उनके पास Norbu आया. Sat opposite. सामने बैठ गया. And asked the narrator if he was English. उनसे पूछा कि आप English हो. They started a conversation. और उनमें आपस में बातचीत शुरू हो गई. द नरेटर कुड मेक आउट दैट ही डिड नॉट बिलोंग टू दैट प्लेस एज ही वॉज वियरिंग अ विंड चीटर
and metal rimmed spectacles of western style. Narrator ko idea ho gaya ki Norbu bhi is jagah ka nahi hai kyunki Norbu ne bhi windcheater pehni hui thi aur metal ki rimmed means beta frame wala metal ke frame wala chashma pehna hua tha jo western style ka tha. He told the narrator that he was a Tibetan. To Norbu ne bataya नरेटर को कि वो एक तिब्बती व्यक्ति है बट वर्कड इन बीजिंग एट द चाइनीज़ एकेडमिक ऑफ सोशल साइंसेज. लेकिन वो बीजिंग में चाइना के बीजिंग में चाइनीज़ एकेडमिक ऑफ सोशल साइंसेज में काम ऑफिस में काम करता है इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर जहाँ पर लिटरेचर लिखा जाता है. ही टू हैड कम टू डू द कोरा. वो भी धार्मिक यात्रा करने आया है. Norbu had been writing academic papers about the Kailash Kora. Norbu का भी काम क्या था अपने ऑफिस के लिए कैलाश यात्रा के बारे में धार्मिक यात्रा के बारे में उसको पेपर्स लिखने थे बुक लिखनी थी और हमारे नरेटर ने भी यही लिखना था. एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर और बौद्ध धर्म में बौद्ध साहित्य में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में लिखना था फॉर मैनी ईयर्स कि सालों से बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पे यात्रा करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ. लेकिन वास्तव में लिखने से पहले Norbu ने सोचा कि वास्तव में उसने खुद कभी तिब्बती होने के बावजूद भी खुद ये यात्रा नहीं की थी तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखना मुश्किल हो जाता है. तो उसने सोचा कि खुद ही करके देखी जाए और फिर लाइव एक्सपीरियंस से उसको लिखा जाए. व्हेन द नरेटर टोल्ड हिम व्हाट ब्रॉट हिम टू दार्चिन ही वाज एक्साइटेड एंड वांटेड टू वर्क विद हिम एज अ टीम. जब नरेटर ने भी अपना उद्देश्य सेम ही बताया कि वो भी एक जर्नी के बारे में लिखना चाहते हैं तो Norbu को ये आइडिया बहुत पसंद आया और वो एज अ टीम बनकर काम करना चाहते थे. ही सून रियलाइज दैट द Norbu वॉज एज इल इक्विप्ड एज हिम फॉर द पिलग्रिमेज. तो जल्द ही उन्हें महसूस हो गया कि Norbu के पास भी वो सब सामान नहीं है जो नरेटर के पास नहीं है जो धार्मिक यात्रा के दौरान उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है. ही केप्ट टेलिंग द नरेटर हाउ फैट ही वॉज एंड हाउ टफ इट वॉज गोइंग टू बी फॉर हिम टू वॉक. तो वो उसने Norbu ने नरेटर को बताया कि ये यात्रा उसके लिए कितनी मुश्किल हो सकती है क्योंकि उसकी वो थोड़ा सा मोटा है तो उसको चढ़ाई में मुश्किल आ सकती है. ही वॉजेंट रियली प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट ऐसे नहीं है तिब्बतन ऐसे नहीं है जिनको प्रैक्टिस हो कि वो धार्मिक यात्रा ऐसी करते रहते हों. इट बिकेम नोन ये वो उसे वाकिफ जानकार तो है उस यात्रा से लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं है. बट ही हैड एंथुजियाज लेकिन उसमें उत्साह था एंड ही वॉज अ तिब्बतन और वो तिब्बती भी था. तो उसके दोनों पर्पज़ हो गए एक तो धर्म अपनी रिलीजन के हिसाब से यात्रा करना दूसरा उसका काम भी वही है कि उसको उस यात्रा के बारे में लिखना है. ऑल दो एट फर्स्ट द नरेटर हैड थॉट दैट ही वुड मेक द ट्रैक इन द कंपनी ऑफ रिलीजियस पीपल. शुरू में तो नरेटर ने ये सोचा था कि वो ये यात्रा धार्मिक यात्रा यात्रियों के बीच में करेंगे बट देन फेल्ट दैट Norbu वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपेनियन. तब उन्होंने सोचा कि Norbu एक अच्छा साथी हो सकता है इस यात्रा में क्योंकि उनके टेस्ट मैच करते थे. Norbu सजेस्टेड दैट दे हायर सम याक्स. याक्स बेटा एनिमल होता है हिली एरियाज में टू कैरी द लगेज. तो हम एक किराए पर याक कर लेते हैं जो हमारा सामान उठाकर चलेगा. एज ही सेड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू प्रोस्ट्रेट हिमसेल्फ ऑल राउंड द माउंटेन एज दैट वॉज नॉट हिज स्टाइल क्योंकि वो लेट लेट कर प्रोस्ट्रेट होता है बिल्कुल सीधे लेट कर दंडवत प्रणाम करते हुए यात्रा करें वो उसका स्टाइल नहीं है. तो एक तो चढ़ाई चढ़ना ऊपर से सामान तो ये डिसाइड हो गया कि योग कर लेंगे और लेट लेट कर कुछ लोग लेट कर या बैठ कर इस तरह से धार्मिक हिली एरिया पर यात्राएं करते हैं तो वो उसका स्टाइल नहीं है Norbu का. एंड एनी वे हिज टमी वॉज टू बिग और उसने बोला कि वो लेट लेट कर यात्रा कर भी नहीं सकता क्योंकि उसकी टमी काफ़ी बिग है क्योंकि वो एक फैटी पर्सन है तो डिफ़िकल्टी आ सकती है. डियर स्टूडेंट्स चैप्टर इज सो लेंथी सो रीड एंड रीड अगेन द चैप्टर बिकॉज इन दिस वे यू कैन कवर ओनली लॉन्ग क्वेश्चन एंड
short question and objective question can come from any of the line of the text. बच्चों टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेक्स्ट के बीच में से आएगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.